जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले गए फर्स्ट टी20 मुकाबले के भारतीय टीम के जीत के तीन हीरो। दरअसल दोस्तों, भले ही मैन ऑफ द मैच का खिताब ईशान किशन को मिला, लेकिन एक खिलाड़ी के दम पर तो भारतीय टीम नहीं जीतती, ये बात तय है और ये बात आप भी जानते हैं। भले ही ईशान किशन ने 89 रन की खूबसूरत पारी खेली, लेकिन जीत के हीरो दोस्तों तीन रहे। गेंदबाजों की बात नहीं करेंगे, बल्लेबाजों की बात करेंगे, जिन्होंने पूरी तरीके से मैच में वापसी रखाई टीम इंडिया की और एक भी मौका ही नहीं दिया श्रीलंका को आगे बढ़ने का, और मतलब बल्लेबाजी में तो दिल लूट लिया। पूरी अगर बात करें मैच की, तो सबसे बेहतरीन बात थी टीम इंडिया की बल्लेबाजी। गेंदबाजी के दम पर पिछले कुछ मुकाबले भारतीय टीम ने बहुत खूबसूरत जीते हैं। वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान भी गेंदबाजी में यानी डिफेंड करते हुए दो मुकाबले जीते थे, लेकिन बल्लेबाजी ऐसी बहुत कम देखने को मिलती है भारतीय टीम की तरफ से कि शुरुआत में दो विकेट गिरे हों आपको और आपने 199 रन का बड़ा स्कोर बना दिया। तो बात करते हैं जीत के तीन हीरो की, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले दोस्तों बिना किसी देरी के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। श्रीलंका दोस्तों, जब टीम इंडिया 199 बनाई तो चेस करना था 200 और श्रीलंका 137 रन 6 विकेट के नुकसान पर ही बना सकी, लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी की तरफ से दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जीत का पहला हीरो, वो रहे ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने इस मुकाबले में 56 गेंदों में 89 रन बनाए 10 चौके 3 छक्के की मदद से। शनाका ने इनका विकेट लिया, लियांगे ने कैच पकड़ा, लेकिन तब तक टीम इंडिया के 155 रन स्कोर हो चुका था, वो भी दोस्तों 17 ओवर तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो जीत के दूसरे, मतलब ईशान किशन ही मैन ऑफ द मैच बने, लेकिन जीत के जो दूसरे हीरो बने वो बने सुरेश अय्यर। इन्होंने 28 गेंदों में 57 रन बनाए 5 चौके 2 छक्के की मदद से। स्ट्राइक रेट इनका इस बीच 203.57 का रहा। सबसे खास बात सुरेश अय्यर की पारी की ये रही कि इन्होंने 31 गेंदों में 44 रन की पार्टनरशिप पहले सुरेश अय्यर ने ईशान किशन के साथ की, उसके बाद इन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ 18 गेंदों में 44 रन की पार्टनरशिप की, जिसमें रविंद्र जडेजा का योगदान सिर्फ 4 गेंदों में 3 रन का था। लेकिन सुरेश अय्यर की पारी देखकर सभी का दिल खुश हो गया और इनके चौके छक्के देखकर कोलकाता के फैंस भी काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि इस बार केकेआर ने अपना कप्तान ही घोषित कर दिया है। अब जीत के तीसरे हीरो की बात करें तो वो है कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब तक दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम था सबसे हाईएस्ट स्कोरर के मामले में मार्टिन गप्टिल के नाम पर, लेकिन इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 32 गेंदों में 44 रन बनाए, लेकिन 37 रन बनाते इन्होंने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया था। दरअसल दोस्तों, मार्टिन गप्टिल 3,299 रन बनाए थे 112 मैचों में, तो वहीं 123 मैचों में रोहित शर्मा ने 3,307 रन बनाकर टी20 के हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं इस समय के। और रोहित शर्मा की इस पारी के दम पर यानी 44 रन जो शुरुआत में रहे थे, 111 रन की पार्टनरशिप रोहित और ईशान के बीच हुई थी। ये मैच की सबसे बड़ी निर्णायक और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था पूरे मैच का। इसके दम पर दोस्तों भारतीय टीम ने मुकाबला जीता। तो जीत के दोस्तों ये तीन खलनायक रहे भारतीय टीम की नजरिए से बल्लेबाज के तौर पर। गेंदबाजी में बात की जाए तो गेंदबाजी में दोस्तों 2 विकेट भुवनेश्वर ने चटकाई थी 2 ओवर में 9 रन देते हुए, 2 विकेट वेंकटेश अय्यर ने 3 ओवर में 36 रन देते हुए चटकाई, यूजी ने भी एक विकेट चटकाया, जडेजा ने तो एक विकेट चटका के पुष्पा वाला स्टाइल भी किया था वो कोई नहीं भूल सकता। मतलब जीत यहां पर टीम इंडिया की हुई और शानदार जीत हुई 62 रनों से, और जीत के ये तीन हीरो रहे। मैन ऑफ द मैच मिला ईशान किशन को। ये सबसे खूबसूरत बात रही कि जो वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान आलोचनाओं का शिकार हुआ, उसने अपने बल्ले से जवाब दिया, और बल्ले से क्या खूबसूरत जवाब दिया। बस 11 रन दूर रहेगा अपने शतक से, पहले टी20 शतक से, लेकिन एज अ विकेट कीपर के तौर पर इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए अब तक के। दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत 65 रन बनाए और 50 से ज्यादा रन धोनी ने बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत आगे हैं। तो ये एक ऋषभ पंत ने, ईशान किशन ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम इस मुकाबले में दर्ज कर लिया है। टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला धर्मशाला के मैदान से 26 तारीख को 6:30 पर टॉस और 7 बजे होगा मुकाबला शुरू। कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।